जय भी मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहु जनल चल। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जन्मदिवस जयंती पर 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का होगा अनावरण। आपको बता दें कि ऐसी पहल होने जा रही है जहां तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा होगी। 2017 में तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य में संविधान निर्माता की 125 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि बाबा साहब की भव्य प्रतिमा बनाने की योजना 2017 से चली और यह 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जन्मदिवस जयंती पर इसका अनावरण किया जाएगा। यह डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल हैदराबाद शहर में स्थित NTR गार्डन में लगभग 11 से 12 एकड़ जगह पर बनाया जा रहा है। इस स्मारक को यह उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्मारक हुसैन सागर झील के पास है। स्मारक में पार्क, भव्य प्रतिमा, प्रतिमा का आधार भवन, संग्रहालय, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष और अन्य संरचनाएं होंगी। 125 फीट 38 मीटर ऊंची बाबा साहब की प्रतिमा को 50 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया जाएगा। यह आधार भवन हमारे भारतीय संसद भवन की प्रतिकृति होगा। यह अंबेडकर मूर्ति भारत की शीर्ष 10 सबसे ऊंची मूर्तियों में और दुनिया की शीर्ष 90 सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल होगी। अगर आधार भवन सहित मूर्तियों की कुल ऊंचाई की बात करें तो यह अंबेडकर मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्ति होगी तथा दुनिया की 40वीं सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इस प्रतिमा में बाबा साहब को हाथ में संविधान लिए दर्शाया जाएगा। इस संविधान के स्ट्रक्चर में मूल संविधान की प्रति वास्तविक किताब भी रखी जाएगी, यानी इस प्रतिमा में बाबा साहब हाथ में वास्तविक संविधान की प्रति लिए खड़े होंगे। वहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इस प्रतिमा के लिए 791 टन स्टेनलेस स्टील और 9 टन पीतल का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी प्रतिमा की लागत लगभग 146.5 करोड़ रुपए है। हुसैन सागर झील में दुनिया की सबसे ऊंची अखंड पत्थर की बुद्ध प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर 58 फीट है। इस तरह भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर जैसे दो महानतम व्यक्तियों की भव्य प्रतिमाएं एक स्थान पर मौजूद रहेंगी। यह वर्तमान समय में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। जहां जयपुर राजस्थान की डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी भी बाबा साहब की एक ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा बोरबंदा की अंबेडकर प्रतिमा से ऊंची होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा शहर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्मृति वनम यानी डॉक्टर बीआर अंबेडकर मेमोरियल बनाया जा रहा है। इस स्मारक में भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह प्रतिमा 80 फीट के आधार भवन पर खड़ी होगी, यानी आधार भवन के साथ ही इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 205 फीट होने जा रही है। यह प्रतिमा कुल ऊंचाई में हैदराबाद की अंबेडकर प्रतिमा 175 फीट से 30 फीट ऊंची अधिक होगी। वहीं विजयवाड़ा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मारक का काम जोरों से चल रहा है और इसका निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन भी 14 अप्रैल यानी 2023 को होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दो तेलुगु भाषी राज्य में एक साथ बाबा साहब की 125 फीट ऊंची दो प्रतिमाएं स्थापित होने बड़ा गर्व की बात है। मुंबई महाराष्ट्र में बाबा साहब की भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है। इसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 450 फीट होगी। यह मूर्ति अगले वर्ष 14 अप्रैल 2024 को बनने की संभावना है। यह अंबेडकर प्रतिमा विश्व की 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक होगी। 14 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में बाबा साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने प्रतिमा की ऊंचाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऊंची प्रतिमा 100 फीट से ऊंची बनाए जाने की संभावना है। समूचे भारतीय राज्यों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लोकप्रियता एवं उनका महत्व काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।